हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में कॉफ़ी से बना हुआ ये पील ऑफ मास्क की होम रेमेडी बताने वाली हूँ। ये होम रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इससे आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व होती ही है, उसके साथ साथ ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइटन, वाइटन और ब्राइटन करता है और जो भी आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स है उन सभी को रिमूव करके आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग और रेडियंट बनाता है। तो इस कॉफ़ी पील ऑफ मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है। उसके बाद आपको दो चम्मच जेलेटिन डालना है और जेलेटिन आपको किसी भी नॉर्मल किराने की स्टोर पे मिल जाता है और मैं इसका अमेजोन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी ये ले सकते हैं। और जेलेटिन डालने के बाद आपको इन दोनों इन्ग्रीडियंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कॉफ़ी और जेलेटिन एक दूसरे के अंदर अच्छे से कम्बाइन हो जाए। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपको इसके अंदर दो चम्मच रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध डालना है। और अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप नॉर्मल दूध भी यूज़ कर सकते हैं या आप रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और गुलाब जल या दूध डालने के बाद आपको इन सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपको इस पेस्ट को गर्म करना है ताकि जेलेटिन पिघले। और जेलेटिन को पिघालने के लिए यहाँ पर मैं डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर रही हूँ, बट आप इस मिक्सचर को माइक्रोवेव भी कर सकते हैं 10 से 15 सेकंड के लिए। और जब जेलेटिन अच्छे से पिघल जाएगी तो आपका पेस्ट बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और अब आपको इस पेस्ट के अंदर आधा नींबू निचोड़ना है। नींबू के अंदर स्किन ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा गोरा और निखरा हुआ बनाती है और नींबू आपके चेहरे पर से दाग धब्बे भी जड़ से ख़त्म करता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आधा चम्मच हनी डालना है यानी कि शहद डालना है। और शहद डालने के बाद आपको इन सभी इन्ग्रीडियंट्स को लास्ट बार अच्छे से मिक्स करना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप इसको अपने चेहरे पर या अपने किसी भी बॉडी पार्ट पे लगा सकते हैं। और इसको लगाने से पहले प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये पेस्ट ज़्यादा गर्म ना हो, और अगर ये पेस्ट ज़्यादा गर्म है तो आप इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए, बट इसको ज़्यादा ठंडा मत कीजिए क्योंकि जेलेटिन फिर से जम जाएगी। और इस पेस्ट को लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है, आपको इसकी एक थिक लेयर अपनी स्किन पर लगानी है और इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। और जब ये अच्छे से सूख जाएगी तो आप इसको पील कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये कॉफी पील ऑफ मास्क बहुत ही असरदार है आपकी स्किन को लाइटन, वाइटन और ब्राइटन करने के लिए। इससे आपके चेहरे पर से दाग धब्बे, झाइयां और किसी भी प्रकार के निशान हट जाते हैं और आपका चेहरा बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, रेडिएंट और स्पॉटलेस बन जाता है। ये पील ऑफ मास्क आपके चेहरे पर से सन टैन और फेशियल हेयर की प्रॉब्लम भी रिमूव करता है और आपके चेहरे को बहुत ज्यादा रेडिएंट, ग्लोइंग और फेयर बनाता है। और इस पील ऑफ मास्क को अपने स्किन पर से रिमूव करने के बाद आप अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लीजिए और अपने चेहरे को पैडर और मॉइस्चराइज अच्छे से कर लीजिए। और इससे बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आपको ये पील ऑफ मास्क हफ्ते में 1 से 2 बार लगाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए।